हेलो वेलकम टू माय शो बॉबी द मैच इन आइडल। दोस्तों, डायरेक्टर रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर मैं फाइनली देखकर आया। तो फिल्म अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वीर सावरकर के बारे में कितनी बातें पब्लिक को पता ही नहीं है, हम इंडियन लोगों को पता ही नहीं है। एक्चुअली एक दो इक्का दुक्का बात ही पता होगी जो आपने हिस्ट्री बुक में स्कूल में पढ़ी होगी। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट वीर सावरकर, इसको लोगों पीपल मस्ट हैव नो क्लू कि उन्होंने व्हाट ही हैज डन फॉर द कंट्री। तो अगर आप ये फिल्म देखोगे तो इस पिक्चर में एकदम ब्रीफली हर एक चीज बताई गई है कि व्हाट वाज एक्चुअली वीर सावरकर थॉट, उनका क्या सोच थी अपने देश के बारे में और स्वतंत्र के लिए उन्होंने क्या किया था, ये पूरी जर्नी उनकी बताई है। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर है दोस्तों, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इमोशनल पिक्चर है। और जो कंट्री के कुछ पॉलिटिकल पार्टी है किस तरह से ये सब बातें उन्होंने छुपाई थी, ये अगर आप देखोगे तो यार रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। इट्स वेरी वेल रिटन फिल्म गाइस, जो राइटिंग की हुई बहुत बढ़िया की है। इट्स नॉट अ कमर्शियल फिल्म, अगर आप बोलोगे कि इसमें कुछ आइटम नंबर जिस तरह के होते ना वो ऐसा कुछ नहीं है। तो वेरी वेल मेड फिल्म, और जिस तरह से मैं तो यही बोलूंगा वीर सावरकर जी की बायोग्राफी ही एक्चुअली है, जो उनकी जर्नी बताई है और क्या देश के लिए उन्होंने किया वो एक्चुअली काबिल तारीफ है दोस्तों। लोगों को सिर्फ गांधी जी के बारे में पता होगा लेकिन एक्चुअली इन्होंने जो किया है वो गांधी जी से ज्यादा उन्होंने किया है वीर सावरकर जी ने। तो ये सब चीजें छुपाई गई है दोस्तों। तो ये सब जब फिल्में देखते लोग तब पता चलता है यार ये सब इससे हुआ था, देन पीपल गेट शॉक्ड। तो मैं तो जो राइटर्स है पिक्चर के, जो मेकर्स है, आई थिंक आनंद पंडित, संदीप सिंह जो प्रोड्यूसर है पिक्चर के, एंड ऑफकोर्स द डायरेक्टर रणदीप हुड्डा जो उनकी पहली पिक्चर है, तो ऐसा लग भी नहीं रहा कि ये उनकी पहली पिक्चर है, ऐसा लग रहा है 10-12 फिल्में पहले बना चुकी है, इस तरह का डायरेक्शन दिया उन्होंने। तो ये वेरी डिफिकल्ट फिल्म लेकिन बहुत अच्छी तरह से ये बनाई गई पिक्चर है। तो ऑडियंस को ये फिल्म डेफिनेटली थिएटर में देखनी चाहिए। इफ यू आर ट्रू इंडियन गो एंड वॉच दिस फिल्म इन थिएटर्स, यू विल कम टू नो व्हाट वीर सावरकर जी हैज डन फॉर दिस कंट्री। और परफॉर्मेंस की बात करें तो रणदीप हुड्डा इज माइंड ब्लोइंग, नो वर्ड्स, जो ट्रांसफॉर्मेशन बताया है दैट इज स्पीचलेस गाइस। आप देखोगे आप दंग रह जाओगे, आपकी बोलती बंद हो जाएगी, बोले ये क्या कितनी मेहनत लगी है, पूरा जो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर बताया है तो दंग रह गया। लेकिन मेरे को मीडिया से बहुत ज़्यादा शिकायत है, जो आजकल की चाटू मीडिया है, जो पेपराजी जो बोलते हैं आमिर खान अगर मोटा बनता है, पतला बनता है, मूछ बनाता है, लंबे बाल करता है, बड़ा चढ़ा के इतना हर दिन उसका आर्टिकल लिखते हैं आमिर खान मिस्टर परफेक्ट, ये किया वो किया। अरे बाबा, रणदीप हुड्डा ने किया वो देखो, आमिर खान कुछ नहीं, आमिर खान कुछ नहीं, जो रणदीप हुड्डा ने किया ना इस पिक्चर में, जो सर्वजीत में भी किया था, वो सब देखो किस तरह से वो किया है दोस्तों। इट इज वेरी शॉकिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन किया उनका बॉडी का, शिट आई एम स्पीचलेस गाइस। सो मीडिया आमिर खान के बारे में बढ़ चढ़ के एवरी डे कुछ ना कुछ लिखती थी, जब वो लंबे बाल करते थे, मूछे लगाते, मिस्टर परफेक्ट ने ये किया, तो वाई दे आर नॉट राइटिंग अबाउट रणदीप हुड्डा, इतनी मेहनत की उन्होंने, तो ये गलत बात है मीडिया की। तो रणदीप हुड्डा स्वतंत्र वीर सावरकर इज फर्स्ट रेट, माइंड ब्लोइंग, ही डिजर्व्स अ नेशनल अवार्ड गाइस। डिजर्व तो करते हैं, सर्वजीत में भी डिजर्व करते थे लेकिन उस वक्त तो दिया नहीं। आई होप ये वीर सावरकर के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिल जाए फॉर बेस्ट एक्टर। अंकिता लोखंडे सुपर काम है, उसके लिए बहुत सारे कलाकार, हालांकि आई डोंट नो एवरीबडीज नेम, पर हर एक बंदे ने जिस तरह का परफॉर्म किया इस पिक्चर में वो वाकई में काबिले तारीफ है। बट ओवरऑल इट्स एन आउट एंड आउट रणदीप हुड्डा शो, डायरेक्ट भी उन्होंने की है और मेन लीड भी वही कर रहे हैं। तो अगर आप ये फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस ने क्या बेड़ा कर किया है इस देश के लिए, ट्रस्ट मी। उसमें डायलॉग भी है कि क्यों कांग्रेस की किसी आदमी को काला पानी की सजा नहीं लगी, वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल डायलॉग है, वो सोचो जब जाओगे आपको तो पता चलेगा कि क्यों कांग्रेस के किसी नेता को काला पानी की सजा नहीं लगी दोस्तों। तो गो एंड वॉच दिस फिल्म, यू विल गेट ऑल द आंसर्स जो हिस्ट्री बुक में अपने जिंदगी में किधर पढ़ा ही नहीं रहेगा आपने, वो सब कुछ आप इस पिक्चर में मिलेगा। तो वीर सावरकर इज अ वेरी वेल मेड फिल्म, वेरी वेल रिटन फिल्म,
वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वेरी वेल परफॉर्म फिल्म स्पेशली बाय रणदीप हुडा. इज माइंड ब्लोइंग, इज अ सुपर हिट फिल्म गाइज. लेकिन आप बोलोगे कमर्शियल फिल्म जिस तरह से होती है, जैसे कि दूसरी जगह गदर एक प्रेम कथा है, या फिर पठान फिल्म है, या फिर गोलमाल सीरीज आती है, हाउसफुल सीरीज आती है, तो इट्स नॉट लाइक दैट. ऐसा कुछ नहीं, इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म, इट्स अ सुपर हिट फिल्म. गाइज गो एंड वॉच दिस फिल्म इन थिएटर्स. Till then, keep watching my channel, Bobby's Madcast, by saying goodbye. God bless you all.